आजकल लखनऊ का तापमान दिल्ली के तापमान से भी ज्यादा तेज है। क्यों जागा अखिलेश का ब्राह्मण प्रेम? क्या मनोज पांडे विनोद चतुर्वेदी और राकेश पांडे की जगह ले पाएंगे? भारत नेट 9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। यूपी की सियासत में हलचल तेज है। आजकल लखनऊ का तापमान दिल्ली के तापमान से भी ज्यादा तेज है। जहां यूपी में कुछ ही दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य लाइमलाइट में आए थे, तो आजकल माता प्रसाद पांडे खूब चर्चा में है। आखिर क्यों? क्यों जागा अखिलेश का ब्राह्मण प्रेम? क्या मनोज पांडे विनोद चतुर्वेदी और राकेश पांडे की जगह ले पाएंगे? माता प्रसाद पांडे भाजपा से अब अग्रणी जातियों के भी वोटर्स छीनना चाहते हैं अखिलेश? हम बताएंगे सब कुछ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच शहमात का खेल चल रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भले ही 2 साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी अपने खिसके जनाधार को दोबारा से हासिल करने के लिए ओबीसी और दलित समुदाय पर फोकस कर रही है। वहीं सपा ने अपने सियासी आधार को पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तक सीमित रखने के बजाय उसे विस्तार देने के लिए ब्राह्मणों को साधने का दांव चला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए माता प्रसाद पांडे को नियुक्त किया। सपा के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी ब्राह्मण समुदाय ही नहीं बल्कि सवर्ण समाज के नेता को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष की फेहरिस्त में शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर और तूफानी सरोज के नाम की चर्चा थी, लेकिन अखिलेश यादव को 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ब्राह्मण नेता पर दाव लगाना ज्यादा मुफीद लगा, इसलिए माता प्रसाद पांडे को इस जिम्मेदारी सौंप दी गई। वहीं बीजेपी का पूरा फोकस ओबीसी और दलित वोटों पर है, जिन्हें साधने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी और मोदी सरकार में यूपी में जिन नेताओं की नियुक्ति हुई है, उनमें ओबीसी और दलित समाज के नेता हैं। मोदी सरकार ने शनिवार को देश भर में 6 नए राज्यपालों की नियुक्ति और 3 मौजूदा गवर्नर को तबादला किया। इसमें 2 राज्यपाल यूपी के नेताओं को बनाया गया है, जिसमें 1 संतोष कुमार गंगवार, दूसरे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना सियासी वनवास ओबीसी वोटों के दम पर ही खत्म किया है। 2014 चुनाव में बीजेपी गैर यादव ओबीसी और गैर जाटर दलितों पर फोकस करते एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने में कामयाब रही, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा पीडीए फॉर्मूले के चलते सेंध लग गई है। कुर्मी, कोयरी, निषाद जैसी ओबीसी जातियां इस बार सपा के पाले में खड़ी रही हैं। इसके चलते बीजेपी यूपी में पहले नंबर की पार्टी से नंबर 2 की पार्टी बन गई है। ऐसे में बीजेपी फिर से दलित और ओबीसी के विश्वास जीतने के कवायद में है, जिसके लिए एमएलसी से राज्यपाल की नियुक्ति में खास तवज्जो दी गई। उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह से ओबीसी पर केंद्रित हो गई है, जिनकी आबादी करीब 56% है। लोकसभा चुनाव में इस बार ओबीसी जातियों का वोटिंग पैटर्न देखें तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के वोट फीसद में गिरावट देखने को मिली थी, जबकि सपा और कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिला। ओबीसी वोट खिसकने के चलते यूपी में बीजेपी की सीटें 2019 की तुलना में 29 सीट कम हो गई। इतनी ही सीटों से बीजेपी बहुमत से दूर हो गई और सहयोगी दल के सहारे सरकार बनानी पड़ी। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा दी है और पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में इससे पहले अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने का दाव चल रही है। इसके लिए सूबे में होने वाली सभी नियुक्तियों में ओबीसी का ख्याल रखा जा रहा है। ओबीसी को बीजेपी अपने पक्ष में लामबद्ध करने के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू कर रही है। 29 जुलाई को बीजेपी के ओबीसी विभाग की बैठक लखनऊ में बुलाई गई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। इस तरह बीजेपी अब ओबीसी वोटों को साधने के लिए सभी तरीके से एक्टिव है, ताकि 2027 के चुनाव से पहले अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त कर सके। वही सपा की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से बने सियासी माहौल को 2027 तक बरकरार ही नहीं रखा जाए, बल्कि 2024 से मिले वोट शेयर को बढ़ाया जाए। इसके लिए ही माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति करके ब्राह्मण समुदाय को रिझाने की कोशिश की गई है, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। माता प्रसाद पांडे यूपी के उस पूर्वांचल इलाके से आते हैं जहां पर ठाकुर बनाम ब्राह्मण के बीच सियासी वर्चस्व की जंग किसी से छिपी नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ठाकुर समुदाय से आते हैं, तो सपा ने उनके सामने विधानसभा में ब्राह्मण समाज से आने वाले माता प्रसाद पांडे को उतार दिया है। यूपी में करीब 10% ब्राह्मण मतदाता है। ब्राह्मणों को संदेश देने के लिए सपा पीडीए की बात करने के बावजूद उनमें अहम पद देने में पीछे नहीं है, इसलिए माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए चुना गया। इसके पीछे अखिलेश की एक रणनीति है कि सपा के विधायक मनोज पांडे, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी पाला बदलकर बीजेपी के पक्ष में चले गए हैं, जिससे ब्राह्मण समाज में संदेश गया है कि सपा में उनकी अहमियत कम हो रही है। अब सपा ने इन कदम से ब्राह्मण समाज में अच्छा संदेश देने का दाव चल दिया है। माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर सपा ने संदेश देने का भी प्रयास किया है कि भले ही वो पीडीए की बात करती हो,
लेकिन उसे अगड़ों से कोई परहेज नहीं। नेता प्रतिपक्ष के पद की रेस में कई सपा विधायक दावेदार थे, लेकिन अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे पर भरोसा जताकर सियासी दांव चल दिया, जिसे 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अब ऐसे में देखना है कि इस शह और माद के खेल में कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन यूपी की सियासत में फिलहाल दिलचस्पी किसी की भी कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि यूपी की सियासत इस वक्त ऐसे पड़ाव पर है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर यूपी में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।